नेक्स्ट मैं आई हूँ अल-फ़हीदी सूक है ये। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, आप सब मेरे को इतना प्यार दिखा रहे हो हमारे यूट्यूब के शॉर्ट्स पे, हमारे यूट्यूब के वीडियोस पे। दिस इज एपिसोड नंबर 3 ऑफ आवर दुबई व्लॉग सीरीज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम जैसे ही दुबई लैंड करते हैं, और मतलब हमारा होटल किसी भी साइड हो, तो इन्होंने दुबई फ्रेम इतना ब्यूटीफुली प्लेस किया हुआ है कि मतलब जो बंदा आता है ना, वो पहले ही देखता ज़रूर है। और ऑब्वियसली क्या कहने इस बात के कि हम एक्चुअली एक डेजर्ट में लैंड हुए हैं, पर हमें हर जगह पिंक फ्लावर्स दिख रहे हैं भाई। तो यहाँ पे सारे कपड़े मिल रहे हैं, और एक्चुअली मैं यहाँ पे एक बेडशीट दिख नहीं रही, मुझे बहुत सुंदर लगी थी, पर अभी मेरे को जाना है मीना बाजार। जाने से पहले आई टेक अ शॉर्ट स्टॉप ओवर एट अल शशमा सुपर मार्केट, दैट्स नियर माई प्लेस। कि दुबई की सुपर मार्केट में क्या क्या मिलता है, अभी मिल रहा है प्रिल, ये तो हमें इंडिया में भी मिलता है। और बताओ ये क्या है, टैंगी जूसेस। अच्छा, इनके टैंगी जूसेस बड़े अजीब से थे, अजीब सा कड़वा सा टेस्ट था, कह रहे थे नो प्रेजर्वेटिव्स। यहाँ पे है क्रीम चीज़ के बड़े बड़े पी यू सी के पैक्स, और लेबनीज चीज़। अच्छा जी, और क्या है, नेस्ले क्रीम है, ओके, पैकिंग डिफरेंट है, या शायद हाँ हमारे यहाँ तो अमूल की क्रीम होती है, नेस्ले की क्रीम मैंने देखी नहीं। और अब आप ज़रा देखो, भिन्न भिन्न प्रकार के कैरमलाइज बिस्किट हैं। पार्ले जी तो यहाँ पे बहुत महंगा है, और बाकी सारे बिस्किट, और इंडियन नमकीन यहाँ पे भर रखा था, मतलब मैं पुणे में थी तो पुणे में बुधानी लोकल नमकीन है, वो भी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है भाई। उस्ताद स्पेशल कबाब सड़क के उस पार है, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे रेड लाइट पे सड़क क्रॉस करनी है, एंड इनके यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है। देखते हैं, इतना हमने इनके बारे में सुना है तो क्या होता है यहाँ पे। अच्छा, वॉकिंग अभी तो हम लोग वॉक कर रहे हैं। तो अभी बज रहा है दोपहर का 11:35, बट मेरे को भूख लग गई, तो आई केम एट अल उस्तादी रेस्टोरेंट, और यहाँ पे इतनी सारी फोटोग्राफ्स लगी हुई है, कोई अर्जुन कपूर, कोई संजय दत्त, और सारी फेमस पर्सनालिटी के साथ। आते ही आई वॉज सर्व विद दिस प्लेट ऑफ डेट्स, और मैंने ऑर्डर किया है चिकन कबाब विद रुमाली रोटी, तो देखते हैं कैसा टेस्ट है उसका। क्या सैलेड दे दिया है, कुछ ग्रीन ये लीव्स दे दिए हैं, और एक मिंट वाली ना दही भी दी है, जो बड़ी मतलब देखने में सुंदर है। और अभी मैं खा रही हूँ डेट्स, और ये मिंट वाली मेरे लिए वो ले आए दही। अब बाकी खाना ला रहे हैं, उतनी देर आप देखो इनके सारे कितने मतलब यहाँ अलग अलग टाइप के ना नोट्स लगे हुए हैं। और जब मैं ऑनलाइन चेक कर रही थी ना कि दुबई में फेमस जगहें कौन सी है खाने की, तो पता चला कि ये जगह बहुत ही फेमस है इनके। अभी इतना सुंदर खाना है, और मुझे पता नहीं है इसको कैसे खाऊंगी फर्स्ट टाइम, तो मैंने अंदर कबाब, बाहर रोटी, एंड थोड़ी सी डिप, और मैं बोलना तो चाहती हूँ पालक, पर पता नहीं जो भी ग्रीन लीव है इसको लगा के खा रही हूँ।
कि आपको कोई और लैंग्वेज में बोलना है, इफ यू आर एन इंडियन आपको हिंदी से बोलोगे बात करोगे एंड पीपल विल अंडरस्टैंड आउट ऑफ द वर्ल्ड. बहुत अमेजिंग है यहाँ का खाना. द कबाब्स आर वेरी जूसी एंड ओवरऑल फ्लेवर इज वेरी नाइस. थिंग अबाउट दुबई इज कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई और लैंग्वेज में बोलना है. इफ यू आर एन इंडियन आपको हिंदी से बोलोगे बात करोगे एंड पीपल विल अंडरस्टैंड. आई वॉज अबाउट टू टेक अ स्मॉल डी टूर बट मैंने टाइम से पूछ लिया कि किधर है मीना बाजार एंड आई एम गोइंग टू वर्ड्स दैट प्लेस नाउ. महंगा आता है, सब अलग अलग प्राइस होता है. नहीं नहीं, देखो 4 हॉट है यहाँ पे. अब मैं मालाबार डायमंड्स पे जाऊँगी एक दफ़ा देखने के मालाबार पे मेरे को कुछ और अच्छा दिखता है तो. एंड तनिष्क पे एंड यार यहाँ पे गाड़ियाँ तो इतनी ऑसम होती हैं. आप ये देखो मतलब व्हेन यू सी सच ब्यूटीफुल कार्स अराउंड यू यू नो यू आर इन दुबई. तो इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्स हैं यहाँ पे. नाउ आई एम गोइंग टू मालाबार. एक्चुअली हम मालाबार भी नहीं जाते. आई थिंक इट्स टाइम दैट आई शुड गो टू वैसे तो वन वे है, देखते हैं. सो गाइज अब मैं घर आ गई हूँ एंड इट वॉज अ लॉन्ग टायरिंग एंड हेक्टिक डे. एंड आके मैंने कोशिश की है कि थोड़ा काजल वाजल हटा दूँ बट पता नहीं क्यों हट नहीं रहा है. बहुत मज़ा आया, बहुत अमेजिंग था. मैंने थोड़ी शॉपिंग भी की, थोड़े गिफ्ट्स भी दिए एंड नाउ आई रैप अप द डे. मिलते हैं कल. बाय.